लेकिन गाने में दोनों बहुत बहुत प्यारा बॉन्डिंग लगा मुझे। मैं जानना चाहूंगा किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है अभी। ये तो भाई अभी रिलीज नहीं हुआ ना गाना, अभी जाएगा ऑन एयर। सोशल मीडिया पे हम लोग ने जो कल पोस्टर रिलीज किया है उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत रिस्पांस आया। और हमारे जितने भी फैंस हैं सब ने इतने प्यारे मैसेजेस और इतनी सारी ब्लेसिंग्स और बेस्ट विशेस भेजी हैं कि आई वाज एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड विद दैट। जब हमने कल पोस्टर लॉन्च किया एंड लोगों को पता नहीं था कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, और जैसे ही बाहर आया पोस्टर तो इतना प्यार मिला लोगों का, एंड पीपल सेड दैट दिस इज सच अ गुड थिंग जो हमने किया है साथ में, और गाना दे आर ऑल वेटिंग ईगरली के गाना देखें। तो पोस्टर वाइज हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, वी ऑल आर। एंड टाइटल की बात करें दिल की तू जमीन पर, काफी सारे रोमांस सीन आसमान में ही हो गए, जमीन क्यों, आसमान क्यों नहीं? दिल की तू जमीन, दिल का तू आसमान, गाने में लाइन यही है। है दिल की तू जमीन, दिल का तू आसमान, तो दोनों चीजें हमने इंक्लूड की हैं। बट शॉट हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया था, जो शॉट आपने देखा जब हम लोग एयर में हम लोग सस्पेंडेड है ये वाला, तो इस शॉट में के लिए हम लोगों ने स्पेशली एक 40 फुट की क्रेन मंगाई थी जिसपे केबल्स लगा के दोनों एक्टर्स को हवा में सस्पेंड किया गया था बहुत हाइट पे, और तब ये शॉट हम लोगों ने लिया था, ये जिमी जिप का शॉट था। तो इस एक पर्टिकुलर लाइन के लिए, है दिल की तू जमीन, दिल का तू आसमान, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी। हमारे प्रोडक्शन ने, मेहुल ने इतनी सारी प्लानिंग की थी, जो मेरे डायरेक्टर हैं मेहुल गडानी मेरे डायरेक्टर हैं, ये डेविड हैं जो हमारे डांस डायरेक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं, सबकी इतनी मेहनत, सबका इतना प्रिपरेशन। और आपने गाना देखा होगा जो शॉट्स हमने लिए हैं, ये गाना हम लोगों ने शूट किया है गुजरात में भुज में, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये भुज में नहीं हूँ, मैं कहीं इजिप्ट में हूँ या कहीं और हूँ, तो लोग वो भी विश्वास कर लेंगे। बिकॉज हमने ऑल थैंक्स टू माय टीम, मेहुल आर लाइन प्रोड्यूसर्स और डेविड, इन सब की इतनी मेहनत लगी है प्री प्रोडक्शन में। जो प्लानिंग हम लोगों ने की वो बहुत लंबी चली, 1.5 महीने की प्लानिंग थी इसमें ऑलमोस्ट, और उस प्लानिंग की वजह से ही हम लोगों ने ये गाना 2 दिन में शूट किया है। बट ऐसी लोकेशंस पे, जिस लोकेशंस पे मुझे लगता नहीं कि कोई गया होगा या सोचा भी होगा ऐसी जगह पे जाने के लिए, और इतना इजी भी नहीं था उन लोकेशंस पे शूट बहुत करना। बहुत डिफिकल्ट था। इनफैक्ट ये वाला जो सीक्वेंस है रेड वाला जो आप देख रहे हैं रॉक्स के बीच में, ये रॉक्स के बीच में जहाँ पे हम लोग थे यहाँ पे कोई उतरने की जगह नहीं थी, देयर इज नो स्पेस टू गेट डाउन, अबाउट 30 फीट बिलो द सरफेस। हम लोग कैसे मदालसा इतनी हैवी ड्रेस में उतरी वहाँ पे, हमारा पूरा क्रू उतरा, जिमी जी को भी उतारा, exactly. तो बहुत सारी मेहनत लगी थी, बहुत प्लानिंग लगी थी टू बी एबल टू गेट दीज शॉट्स जो आपने अभी विजुअल्स देखे। आप लोगों की केमिस्ट्री की बात करूँ, स्पेशली काव्या और वनराज की बात करूँ, इतना प्यार मिलता है ऑन स्क्रीन, तो ये सॉन्ग गाना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है फैंस के लिए, फैंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए? देखिए हम लोग एक्चुअली बिकॉज मदालसा और मैं शो में साथ में हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और हम लोग एक पर्टिकुलर इमेज कैरी करते हैं उस शो में, और उस इमेज को थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए, अपनी ऑडियंस को ये दिखाने के लिए कि हम लोग एक्चुअली रियल लाइफ में कैसे हम लोग रील्स बनाते थे, और वो भी थैंक्स टू मदालसा ने मुझे रील्स बनाना सिखाया और इनक्रेज किया, तो हम लोगों ने रील्स बनानी शुरू की, और रील्स लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। तो हम लोगों को जितना रिस्पॉन्स उससे मिला, तो हम लोगों को लगा यार लेट्स यू नो वाई नॉट डू समथिंग टुगेदर लाइक अ म्यूज़िक वीडियो। एंड मैं वैसे भी प्लान कर रहा था कि मेरा सोलो सिंगल आए, बिकॉज बैंड ऑफ बॉयज़ के बाद मैंने बहुत सालों के बाद एक सोलो सिंगल निकाला था कुछ साल पहले, एंड देन बिकॉज ऑफ कोविड वी हैड अ लॉन्ग गैप, एंड देन आई थॉट दैट आई माइट एज वेल टेक अनदर सोलो सिंगल आउट, एंड यू नो ऑल द पीपल हु वांट मी टू सिंग आई शुड गिव देम अ सरप्राइज, एंड देन आई थॉट व्हेन वी आर शूटिंग द वीडियो व्हाई नॉट हैव मदालसा विद मी, बिकॉज इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। एंड बाय गॉड्स ग्रेस थैंकफुली मदालसा इज सच अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग, शी रेडिली अग्रीड, एंड इन ऑल दोज डिफिकल्ट सिचुएशंस विद नॉट सो मच ऑफ यू नो फैसिलिटीज अराउंड, एंड यू नो शी रियली रियली ब्रेव्ड इट आउट इन दैट हीट एंड कोल्ड एंड एवरीथिंग टुगेदर इन दैट इन दैट वेदर। वी हैड टू, या वी हैड टू, इट्स आवर सॉन्ग एंड यू संग इट सो ब्यूटिफुली, और ये तो हमें करना ही था। एंड जब सुधांशु ने मुझे बताया कि वो ये गाना प्लान कर रहे हैं, आई थॉट दिस इज सच अ गुड थिंग टू डू,
एंड ऑलरेडी जब लोगों से हमें एक साथ इतना प्यार मिलता है तो व्हाई नॉट शो देम समथिंग डिफरेंट, अ डिफरेंट अवतार ऑफ अस ऑल टुगेदर इन हिज ब्यूटीफुल वॉइस. सो आई थिंक दिस वाज समथिंग रियली नाइस जो हमने किया है एंड आज फाइनली हम ये गाने को रिलीज कर रहे हैं. सो वी नीड एवरीबॉडीज ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस. सर आप क्या कुछ कहना चाहोगे इस सॉन्ग के बारे में? दिल की तू जमी, कितना मेहनत लगता है एक डायरेक्टर, क्योंकि एक डायरेक्टर नहीं हो तो इतना प्यारा सॉन्ग नहीं बन पाएगा. राइट राइट. तो जो मैं बोलना चाहता था वो सब पांडे जी ने बोल दिया ऑलरेडी. फिर भी मैं एक बार वापस से दोहराऊंगा कि जब पांडे जी ने मुझे ये सॉन्ग एक साल पहले सुनाया था, पर अब बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन हम कर नहीं पाए. और सॉन्ग्स में ऑडियो में क्या होता है कि बाद में धीरे धीरे करके वो स्टेल होने लगता है, एक ही बार बार हम जब सुनने लगते हैं. तो हमने इसके ऊपर रीवर्क किया और फिर 2 महीने का कड़क प्री प्रोडक्शन करने के बाद हमने लोकेशन ढूंढी, गूगल से सारी लोकेशन ढूंढी, फिर हमारे बंदे गए वहाँ पे, रेकी की, लॉक किया सारा कुछ, डेट हमने शूट की डेट डिसाइड किए और फिर शूट किया. शूट करना डेफिनेटली डिफ़िकल्ट था क्योंकि हम लोग 20-30 फीट नीचे सरफेस, अर्थ के सरफेस के नीचे जाके हम लोग काम कर रहे थे. और आप देख रहे हो कि कितना अच्छा नज़ारे दिख रहे हैं आपको ना शॉट्स. और वाइल्ड लोकेशंस थे, रेगिस्तान टाइप था और जो गाने को कॉम्प्लीमेंट करते वैसे लोकेशन थे. और दिल की ज़मीन और दिल का तो आसमान, अगर मैं बोलूँ तो ज़मीन के बगैर आसमान का कोई वजूद ही नहीं है बेसिकली, और आसमान के बगैर ज़मीन का कोई वजूद नहीं है. तो इसी तरह हमारे दोनों एक्टर्स जो है वेरी वेल सेड, वो काव्या और वनराज जो है वो एक दूसरे के साथ जो ऐसे दिया और बाती की तरह चिपके हुए हैं. और मैं ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले 100 ईयर्स तक ये जोड़ी ऐसे ऊपर वाला सलामत रखे इनको, और हम और ऐसे गाने करते जाए बनाते और हमको ऐसे काम मिलते जाए. डीसी डेविड कोरियोग्राफर है वो, देखो बेचारा कैसे खड़ा है, उनको भी दो क्वेश्चन पूछ लीजिए, वो कब से वेट कर रहा है. बाकी तो आप डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा, इनका विजन ही इतना स्ट्रांग था, क्लियर था इनका कि कोई टेंशन नहीं था. और डांस तो कम था बट बेसिकली जो बॉडी जेस्चर वहाँ पे जो ऊपर खड़े होकर उन्होंने जो बॉडी पॉस्चर्स दिया दैट वाज डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट था. मतलब थोड़ा भी आपने बैलेंस गया तो सीधा नीचे, तो बहुत टफ हुआ जॉब, बहुत अच्छा काम हो गया. तो थैंक गॉड एंड वेरी इंटरनेशनल सॉन्ग, तो इसको कच्छ भूझ नहीं बोल सकते, ये इंटरनेशनल में शूट किया हमने. आपसे जानना चाहूँगा, हम जैसे बात कर रहे हैं, मैं देख रहा था ड्रेसेस आर वेरी हैवी विच यू आर वेरी एंड कच्छ में स्पेशली आई नो वहाँ पे हॉट ज़्यादा होता है, वो ड्रेस कैरी करना एंड वो सब शॉर्ट्स करना, जिमी जिम वाला शॉर्ट, कितना डिफिकल्ट हो जाता है अब एज एन एक्टर? जब हम कॉस्ट्यूम्स पर बैठे थे एंड वी वर डिसाइडिंग कि क्या कलर्स रखने हैं, क्या कॉस्ट्यूम्स रखने हैं, तो हमारी जो स्टाइलिस्ट है निशा बेदी, शी डिड अ वेरी गुड जॉब. उन्होंने बहुत अलग अलग कलर्स चूज़ किए एंड बहुत अलग पैटर्न्स दिए. तो जो आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे घेरे हैं, सो दैट्स वॉट मेक्स द आउटफिट वेरी हैवी. सो बट दैट्स वॉट लुक्स ब्यूटिफुल ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, बिकॉज अगर आपके पास कॉस्ट्यूम में उतना लेंथ ना हो, बिकॉज हमारे लोकेशंस इतने ब्यूटिफुल है, जो लैंडस्केप्स है उसमें अगर हम आपको वो ड्रेप उड़ता हुआ नहीं दिखेगा एंड उस तरह से वो पॉस्चर नहीं रहेगा, बॉडी लैंग्वेज आपकी वैसी नहीं रहेगी, तो इट्स नॉट गोइंग टू लुक पिक्चर परफेक्ट जैसा कि फाइनली लगा है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. सो ऑफकोर्स चैलेंजिंग रहा है, बट देन व्हाट्स द पॉइंट? अगर चैलेंजिंग ना रहे तो फिर आपको उतनी मेहनत करने में उतना मज़ा नहीं आएगा. सो या आई डिड माई बेस्ट एंड गर्मी हो या हमें इतना नीचे उतर के जो वो सारे शॉर्ट्स लेने थे, इतने बड़े बड़े हील्स पहन कर, एंड ऑफकोर्स एक हाथ सुधांशु ने पकड़ा था, एक हाथ मिहुल ने पकड़ा था, चार जन घाघरा पकड़ के, दे वर ऑल हेल्पिंग मी धीरे नीचे उतरने में, ऊपर चढ़ने में. एंड सुधांशु ऑल्सो, यू नो, जो उनका जो स्टार्टिंग का फर्स्ट ओपनिंग शॉट जो है गाने का, जहाँ वो खड़े हैं एंड देन ही यू नो फेसेस इज फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो भी काफ़ी, मैं जहाँ थी मैं नीचे थी, इनका काफ़ी ऊपर चढ़ के ही हैड टू वॉक ऑल द वे अप, इतना स्टीप था वो सब. एंड वो भी इन्होंने भी जो पहना था उसमें भी काफ़ी यू नो एक पूरा ट्रेल जैसी थी, तो वो सब उठा के ऊपर चढ़ गए. वो मैं देख रही थी नीचे बैठे बैठे कितना इजीली ऊपर यहाँ से वहाँ से यहाँ पैर रख के, हाँ, लाइक स्पाइडरमैन ही जस्ट वेंट देयर. एंड देन इनको देख के मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिली, मुझे लगा कि अगर ये चढ़ सकते हैं तो मैं भी चढ़ सकती हूँ. तो I think what has been good with us is that God has been with us. Yes. We have been blessed with a great team. Yeah. Great people around, you know, that is why probably we were able to shoot something like this, because as you can see the scale of the video. जैसे आपने कपड़ों के बारे में बोला, clothes have been designed beautifully by Nisha Bedi. Who also designs incidentally for our show Anupama. Yes. She's a very very senior designer and very very dear friend of mine, and she also you know almost last minute agreed to do it, and within the stipulated time she actually created all these beautiful outfits. 15-20 days.
15-20 days she created all of this, and she understood the vision, which is very important, because if the designer and the stylist can understand what your vision is, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है. और मुझे ऐसा लगता है कि उसी का मैजिक है ये, बिकॉज द लोकेशंस, द लाइटिंग, द टाइमिंग, द आउटफिट्स, द ऑब्वियसली द एक्टर्स, एंड ऑल्सो माय जैकेट दैट यू सी यू नो, एंड दीज कार्गोज, दे वर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द बाइक सीक्वेंस. और इसमें मेरे फ्रेंड है राज भाई, उन्होंने ये सब बहुत हेल्प किया. सो वी हैड अ ग्रेट team of people who helped us create this you know, beautiful music video and song. To obviously maine gaya jitna acha main ga sakta tha maine gaya hai, but thank you so much. But so yeah, so that is why I guess we are here today. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.